और अब आंदोलन का क्या होगा, बड़ी खबर। इस बीच आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की हलचल बढ़ गई है। इलाके में पीएसी की तैनाती कर दी गई है, यूपी परिवहन की बसें भी यहां पर मंगवाई गई हैं और पुलिस अलर्ट मोड में है इलाके में। इस वक्त आपको बता दें, माहौल गर्मा गया है। इसका जायजा हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने लिया है, दिखाते हैं आपको। तो गाजीपुर बॉर्डर पर पीएसी की तैनाती हो गई है, यहां पर यूपी रोडवेज की बसेस की तैनाती, और ऐसे में यहां पर हलचल बढ़ गई है। क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है, किसानों के बीच इस बात को लेकर भी खलबली है। हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर अचानक सरगर्मी तेज हो गई है। मेरे पीछे आप देखेंगे पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान, उनकी गाड़ियाँ, दंगा नियंत्रण वाहन, ये तो है ही। इसके अलावा भी आपको पीएसी की गाड़ी भी दिखेगी, पीएसी के लोग भी दिखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो दिखेगी वो ये कि उत्तर प्रदेश परिवहन की ढेर सारी बसें यहाँ स्टेशन की गई हैं। मुझे जो बताया गया अभी जानकारी के मुताबिक कि ये बसें लगी हैं यहाँ पर, और करीब 50 कुल बसें यहाँ पर आनी हैं, लगाई जानी हैं। तो ये बताया जा रहा है कि कभी भी यहाँ पर पुलिस गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने का प्रयास कर सकती है, कोशिश कर सकती है, और इसके लिए जो यहाँ पर किसान प्रदर्शनकारी बैठे हैं उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए इन बसों की व्यवस्था की गई है। ये पुलिस ऑपरेशन कब होगा ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से पुलिस मुस्तैद है, तैयार है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी शामिल हैं, और साथ ही साथ महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तरह से कहें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की कोशिश हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि रात में भी यहाँ पर काफ़ी तनाव था गाजीपुर बॉर्डर पर, रात में बिजली काट दी गई थी, बिजली और उसके बाद वहाँ अंधेरा हो गया था, और उस समय भी बहुत पैनिक सा सिचुएशन हो गया था और लोगों को ऐसा लगा कि पुलिस कभी भी एक्शन कर सकती है। तो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखें, चारों तरफ पुलिस मुस्तैद है। प्रभाकर मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी, हलचल गाजीपुर बॉर्डर पर तेज है। इस बीच प्रभाकर ये भी खबर दे रहे हैं कि गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से जो जन सुविधाएं यहां पर दी गई थी, प्रशासन ने इस वक्त उन्हें वापस ले लिया। मैं सीधा प्रभाकर मिश्रा का रुख करती हूं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या होने वाला है गाजीपुर बॉर्डर पर? हमने रिपोर्ट दिखाई थी, उसी रिपोर्ट का एक्सटेंडेड पार्ट में दिखाना चाहता हूं। अभी लाइव दिखा रहा हूं कि मेरे पीछे आप देखेंगी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये आरएएफ की गाड़ी, ये सब व्यवस्था है, और साथ ही आपको देखेंगे उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें भी लगी हुई हैं। पुलिस मुस्तैद है, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर इस बॉर्डर को खाली कराने के लिए कभी भी पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है। रात में जब बिजली काटा गया था यहाँ पर, उसके बाद से किसानों में थोड़ा सा पैनिक हुआ था और रात में ही इस बात का अंदेशा लगा था, लेकिन अभी जो है पुलिस मुस्तैद है। कब कार्रवाई होगी, कैसे होगी, वो नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि चूंकि आज गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों की तादाद कम है पहले की अपेक्षा, 26 तारीख की जो घटना हुई थी उसके बाद से कुछ किसान वापस चले गए थे, कुछ अभी जा रहे हैं, प्रभाकर जरा वो तस्वीरें अगर आप दिखा पाए, इस वक्त हमें टेंट उखाड़े गए हैं, ये अहम जानकारी जो आप ही के माध्यम से सामने आ रही है, वो अगर तस्वीरें दिखा पाए क्या हो रहा है वहाँ पे, जन सुविधाएं वापस ली जा रही हैं, इसका साफ मतलब है कि कुछ हो सकता है। देखिए ये जो टेंट है ये गाजियाबाद नगर निगम की टेंट नहीं है, ये तो किसानों की तरफ से किसी संस्था ने लगाया था, उसे हटाया जा रहा है, लेकिन जो गाजियाबाद नगर निगम के तरफ से जन सुविधाएं दी गई थी उन्हें वापस कर लिया गया। रात में बिजली काटी गई थी, सबको पता है, अंधेरा हो गया था, उसके बाद से जो जन सुविधाएं, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था थी, यहाँ पर शौचालयों की व्यवस्था की गई थी, उसे हटा लिया गया है।